हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर यूट्यूब चैनल राहुल सर पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, आपने थंबनेल देख के पढ़ लिया होगा, इस जो वीडियो में हम बात करेंगे अवक्रम के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों के। ये जो वीडियो है 2-4 मिनट का बनेगा और आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि कुछ सर साइड वॉइस आ रही है। तो बेटा मैं जस्ट आया हूं यहां पड़ोस में, प्रोग्राम मतलब फंक्शन शादी का है, तो मतलब अरेंज कर सकते हैं इतना तो बेटा, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। मतलब अवक्रम के कुछ फॉर्मूले है, उस फॉर्मूलों क्या करेंगे हम याद करेंगे बेटा। मैं बात करूं पहला फॉर्मूला x की पावर n, क्या बेटा x की पावर n, तो क्या बोलोगे बेटा, जो आपका जो पावर है ना वो कहां पे चला जाएगा, आगे, और पावर बेटा एक हो जाएगा इसमें कम। जैसे कि सर एग्जांपल बेटा, जैसे x की पावर 5 है, क्या x की पावर 5 है, ये 5 पावर आगे चला जाएगा और क्या पावर एक कम हो जाएगी, x की पावर 4। बेटा मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है e की पावर x, क्या बेटा e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। अगर बेटा मैं नेक्स्ट बात करूं a की पावर x, क्या a की पावर x से, तो a की पावर x से log e और a, चलो ठीक है समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फॉर्मूले की, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन x का, क्या बेटा साइन x का, और भाई साइन x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, x होता है। और बात करूं नेक्स्ट की कोस, किसकी बेटा कोस की, तो कोस का क्या होता है माइनस का साइन x, कोस का। सर ये याद कैसे करेंगे भाई, चुटकी में याद रखूं बस, लेकिन नोट डाउन कर लो 2 मिनट के फटाक से। आई होप यहाँ पे साइन दिख रहा होगा, मैं बात करूंगा यहाँ तक शायद एक फोन और आ जाएगा यहाँ पे बेटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइन cos 10, तो बेटा 10 का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, sec स्क्वायर, 10 का sec स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्या हो गया, दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। चलो बेटा बात करो साइन cos 10 cot, किसका बेटा cot का, तो मेरे पास cot का जो अब क्या फॉर्मूला होगा माइनस का, और क्या होगा cosec स्क्वायर x, क्या होगा बेटा cosec स्क्वायर x से sin cos tan cot। अब बात करो किसकी, sec x की, और sec x का क्या होगा sec x से बेटा, और क्या होगा tan x, sec x और tan x। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा क्या होगा cosec का, किसका भाई cosec का, और cosec का क्या होता है माइनस का cosec और इनटू में क्या होता है बेटा cot x से। आई होप ये फॉर्मूले याद होंगे। सर ये याद कैसे करेंगे, बुक में भी छपे पड़े हैं। तो बेटा देखो जहाँ पे सी फैमिली आती है cos c वाले, क्या बेटा c वाले, तो उनके सबके साथ क्या लगा होगा माइनस लगा होगा, क्या होगा बेटा माइनस लगा होगा। सर आगे देखो बेटा tan, tan में क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, क्या बेटा tan में स्क्वायर लगा हुआ है, से भी cot में क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है ना, tan में क्या लगा हुआ है स्क्वायर और cot में स्क्वायर लगा हुआ है। अब sec वाले देखो सर, sec में और cosec में रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना, बस इतना ही याद करना है, बाकी 2-4 फॉर्मूले और हैं, मैं उनको क्या कह देता हूँ नोट डाउन कर देता हूँ। आपको इस वीडियो को रोक के क्या करना है, इस फॉर्मूलों को कहीं अलग से शीट पे नोट डाउन करना है बेटा। इनवर्स के 6 फॉर्मूले होते हैं, अगर नहीं भी याद है तो याद कर लो। इसमें थोड़ा मतलब सही कम है, बता देता हूँ भाई, क्या बताया आपकी बुक खतरनाक गर्मी हुई था, हट गया है, शादी वगैरह है यहाँ पे, जीवना था जे आपको जीवना दिखाया नहीं, हेट नहीं था इतना, चलो ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूँ किसकी, साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या था भाई, 1/√ में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और जस्ट इसके सामने मैं बात करूँ कोस की, सेम फॉर्मूला कोस इनवर्स का, बट उसके साथ क्या जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, क्या जाएगा भाई माइनस का साइन आ जाएगा, साइन कोस। अब बात करेंगे टेन इनवर्स एक्स की, किसकी टेन इनवर्स की, 1/1 एक्स का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं कोट की, कोई भी 3 याद कर लो और 3 फ्री में याद हो जाएंगे, इसके क्या लगाना है बेटा माइनस लगाना है, क्या लगाना है माइनस लगाना है। मैं बात करूंगा पांचवे की, किसकी साइन कोस टेन कोट और सेक, तो बेटा सेक का क्या होता है
वन अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ये फॉर्मूला आता है। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ छह के की, किसकी, इनवर्स वाले की, कोसे की, तो बेटा इसमें क्या लगा दो, माइनस लगा दो, वन एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का वन। आई होप ये फॉर्मूले आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक का बटन ठोके जाओ और क्या ही बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।